हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम भूटान के बारे में जानेंगे। भूटान एक भारत का पड़ोसी देश है। भूटान का राजधानी है थिम्पू। भूटान का मुद्रा भूटानी नेगुलद्रम। भूटान का राष्ट्रीय भाषा जोन्खा नेपाली। भूटान का धर्म बौद्ध। राष्ट्रीय दिवस 17 दिसंबर। भूटान का शासन प्रणाली, भूटान में भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही है। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। राष्ट्रीय पशु टाकिन। भूटान का राष्ट्रीय पशु टाकिन है, जो कि देखने में बकरी जैसा है। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी रेवन। अब हम जानेंगे भूटान के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य। भूटान 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। 1973 में यह गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा बना। भूटान सार्क का सदस्य है। भूटान का कुल जनसंख्या 7 लाख भूटान का कुल जनसंख्या 7,41,919 है। भूटान का प्रति व्यक्ति आय जीडीपी में $7,600 पर पर्सन है। भूटान का प्रति व्यक्ति जीडीपी $7,600 प्रति व्यक्ति। भूटान का नगरीय जनसंख्या 38.6%। जीवन प्रत्याशा 69.51। भूटान की प्रमुख प्रजातियां भूटानी पारंपरिक नेपाली। कृषि योग्य भूमि 2.6%। उद्योग सीमेंट लकड़ी फल अल्कोहल। आयात ईंधन मशीनरी वाहन अनाज। निर्यात भूटान से निर्यात क्या होता है? जिप्सम सीमेंट हथकरघा लकड़ी। यह उत्तर में चीन तथा शेष दिशा में भारत से घिरा हुआ है। भूटान को संयुक्त राष्ट्र ने 1974 में देश की मान्यता दी। भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। भूटान को क्या कहा जाता है? थंडर ड्रैगन की भूमि। भूटान में 1960 तक सड़क मोबाइल डाक तथा बिजली की सुविधा नहीं थी। भूटान में इंटरनेट कब स्टार्ट हुआ? 1990 में। भूटान का प्रथम प्रधानमंत्री लियोनचेन जिग्मी पाई थिनले। भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री तेसरिंग तोबगे। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। भूटान के राजा का क्या नाम है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। भूटान को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य सिक्किम आसाम अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल। जैसे कि कुछ देर पहले ही हम पढ़े हैं कि भूटान तीन ओर से चीन से घिरा हुआ है। यह उत्तर में चीन तथा शेष दिशा में भारत से घिरा हुआ है। तो भूटान उत्तर में चीन से घिरा हुआ है तथा शेष दिशा में भारत से घिरा हुआ है। और भारत के कौन कौन से राज्य भूटान को टच करता है, स्पर्श करता है? वह सिक्किम आसाम अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल।